दिनांक 8 अक्टूबर 2023 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन या यूँ कहें कि सम्मेलन को संपन्न किया, जिला पुणे महाराष्ट्र में ये हुआ है। अब किसके तहत हुआ है? राष्ट्रीय संघर्ष समिति के टीम के द्वारा दिनांक 8 अक्टूबर 2023 को जो पुणे जिला महाराष्ट्र में एक आयोजन को सम्मिलित किए हैं, उससे ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कितना फायदा होगा, इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हूं उमाशंकर मिश्रा और आप देख रहे हैं ओमी टेक यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में मैं आपको बता दूं कि दिनांक 8 अक्टूबर 2023 को पुणे में ये जो तो महाराष्ट्र के जिला पुणे है, जहाँ पे खेड़ राजगुरु नगर तहसील में एक बहुत ही भव्य आयोजन को किया गया, आयोजन सम्मिलित हुआ। इनसी राजगुरु नगर टीम से मराठी प्रांत में संदेश नीचे प्रस्तुत किया गया है, जिसे हम लोग आपके सामने रखेंगे बताएंगे। तो यहाँ पे है कि दिनांक 8 अक्टूबर को राजगुरु नगर तहसील में सम्मेलन आयोजित किया गया। इनसी राजगुरु नगर टीम से जो तो संदेश जो मिला है, उसी के ऊपर आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर ही यह सम्मेलन किया गया है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति खेड़ तालुका में पेंशन भोगियों की ओर से 8/10/2023 रविवार राजगुरु नगर जिला पुणे में पहली बार पेंशन भोगियों की महाबैठक हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज इस बार सभा शुरू करने से पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, शहीद राजगुरु, शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव को माल्यार्पण किया गया। इस समय उपस्थित पेंशन भोगियों को मार्गदर्शन देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत साहब व अन्य पदाधिकारी अपने संगठन के माध्यम से केंद्र सरकार को पिछले 7 वर्षों से पेंशन में बढ़ रही कमी, पेंशन को लेकर अनुगमन करते हुए कम से कम 7,500 रुपये पेंशन, महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलने की उचित मांग की है। केंद्र सरकार सकारात्मक है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार पेंशन बढ़ाने का निर्णय नहीं ले रही है। इसके चलते केंद्र सरकार ने संगठन के जरिए आक्रामक विरोध कर समय पर आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। यह संगठन के द्वारा किया जा रहा है कि आत्महत्या जैसी चेतावनी दी जा रही है। इस बार राष्ट्रीय महासचिव श्री वीरेंद्र सिंह रजावत, राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार डॉक्टर पी एन पाटिल साहब पुनः, भारत महिला मोर्चा सचिव सरिता ताई नारखेड़े, पश्चिम भारत संयोजक शुभाराव पोखरकर साहब के साथ में और भी बहुत सारे लोग वहां पे उपस्थित रहे। आगे की वीडियो में मैं आपको बताता हूं। साथ ही साथ में राउत जो अध्यक्ष सीएम राउत के केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक राय व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार से अनुरोध किया, क्या अनुरोध किया है इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ बहुत जल्दी। अनुरोध किया कि पेंशन बढ़ाने का फैसला जल्द से जल्द करें। इस समय पुणे जिला अध्यक्ष सतीश राव शिंदे, पुणे संयोजक अजीत कुमार जी, साथ ही साथ में पिपरी चिंचवड़ शहर के अध्यक्ष इंद्र सिंह और पिपरी चिंचवड़ पुणे जिला खेड़ मावल मुलसी जन्नत नारायण गांव, ये बहुत सारे गांव हैं जहां पे हजारों पेंशन भोगियों की सभा आयोजन बनाते हुए दिलीप कहाने, ये सब समस्त ईपीएस 95 पेंशन धारकों की एक टीम या तालुका या कमेटी का नव गठन किया गया। इन सभी को लेते हुए यहाँ पे एक नई टीम और नई तालुका या नई कमेटी का यहाँ पे गठन हुआ। साथ ही साथ में बहुत सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हुए जो हमारे ईपीएस 95 पेंशन धारक थे। अरे थोड़ा सा हम वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आप वीडियो को देखिएगा और साथ ही साथ में यहाँ पे जो तस्वीरें हैं उन तस्वीरों को भी आप देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे जो विघ्नहर्ता गणेश जी हैं उनकी पूजा किया गया, हमारे भगवान विघ्नहर्ता गणेश जी की तस्वीर पे माल्यार्पण, साथ ही साथ में दीप प्रज्वलित कर उनकी पूजा माल्यार्पण के साथ साथ में कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। कार्यक्रम में यहाँ पे देख सकते हैं समस्त जितने भी हमारे पेंशन भोगी हैं सभी ने जो तो पूरे श्रद्धा भाव के साथ में विघ्नहर्ता गणेश जी के प्रतिमा के सामने दीपक जलाते हुए ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि की गुहार लगा रहे हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे एक वीडियो भी है, इस वीडियो को मैं अलग से भी आप लोगों को दिखा दूंगा कि किस प्रकार से नारों के साथ में ईपीएस 95 पेंशन धारक आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ईपीएस 95 पेंशन धारकों की संख्याओं को भी आप देख सकते हैं, ये पुणे जिला महाराष्ट्र में काफ़ी भारी भरकम संख्या में ईपीएस 95 पेंशन धारक यहाँ पे इकट्ठे हुए। उसके आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे ईपीएस 95 पेंशन धारकों में काफ़ी ज़्यादा जोश भी देखने को मिला है, नारे लगाते हुए आपको देखे जा सकते हैं जो ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं। उसके आगे आप देखेंगे यहाँ पे कई ईपीएस 95 पेंशन धारक जो हैं और साथ ही साथ में राष्ट्रीय संघर्ष समिति के टीम के कार्यकर्ता जो हैं उन्होंने खड़े होकर बढ़ चढ़ के भाग लिया। साथ ही साथ में अभी सरकार के द्वारा किस प्रकार से निर्णय लिए जा रहे हैं, कब तक में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि होगी और कहाँ कहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं, कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, किस प्रकार से सरकार के द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मुहैया कराई जाएगी, इन सभी विषयों पर विधिवत जो तो चर्चाएं हुई हैं। यहाँ पे कमांडर अशोक राव जी ने भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को संबोधित करते हुए उनकी समस्याओं से अवगत कराया, साथ ही साथ में जल्द से जल्द पेंशन में वृद्धि होगी इसका आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा किन किन मुद्दों को लेकर बातें चल रही हैं और कितना जल्दी ये समस्याओं को सॉल्व किया जा सकता है। कमांडर अशोक राव जी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर तत्पर हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे आप पूरे जिले से जितने भी नारी सशक्तिकरण को भी आप देख सकते हैं, कमांडर अशोक राव जी के साथ में सब खड़े हैं और साथ ही साथ में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि की कामना कर रहे हैं। साथ ही साथ में डिमांड मांग जो है वो ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मांग बहुत ही जल्द पूर्ण होने वाली है।
यहाँ पे जितने भी ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि से संबंधित कार्यकर्ता है, आप सभी कार्यकर्ताओं को देख सकते हैं। महिला सशक्तिकरण के साथ जो तो ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर एक अलग ही पहल नजर आ रही है। यहाँ पे राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम को संबोधित करते हुए आपको दिखाया जा रहा है। साथ ही साथ में ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों की सभी समस्याओं, सभी मसलों का हल किस प्रकार से निकल सकते हैं उसके ऊपर भी यहाँ पे चर्चा हुई है। साथ ही साथ में यहाँ पे मूर्ति जो तो अनावरण पूजा भी उनका किया गया ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों के द्वारा, और ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों के जो मेन मुद्दे थे उन मेन मुद्दों के ऊपर भी देखा गया, यहाँ पे पहुंचा गया। कमांडर अशोक राव जी एक बार फिर से ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों को संबोधित करते हुए ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि किस प्रकार से कराई जा सकती है उस पर एक अलग नई तरीके से नए सोच के साथ में सरकार से जवाब मांगेंगे आगे चल के। तो कुछ इस प्रकार की तस्वीरें थी, कुछ इस प्रकार की बातें थी जो कि मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बखूबी अच्छे से समझाया है। यहाँ पे रजावा सर भी आपको देख सकते हैं, एनएससी का नारा है और पेंशन हक हमारा है, इस प्रकार के नारे थे। और इस प्रकार के नारे के साथ में काफ़ी तेजी के साथ में पूरा पंडाल जो तो गूंजता हुआ नजर आया है। और यहाँ पे नारी सशक्तिकरण के द्वारा भी एक लंबा बड़ा चौड़ा भाषण भी दिया गया, साथ ही साथ में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर नारियों का एक अहम स्थान है और किस प्रकार से पेंशन दिलाने में उनका भरपूर योगदान है उसको भी यहाँ पे दिखाया गया राष्ट्रीय संघर्ष समिति के टीम के द्वारा। और यहाँ पे देख सकते हैं तिलक भी करते हुए दिखाई दिए। तो कुछ इस प्रकार की तस्वीरें थी, कुछ इस प्रकार से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर जो मुद्दे थे उन मुद्दों के ऊपर बातें की गई हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखने के बाद में एक चीज़ तो निष्कर्ष निकलता है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि से संबंधित जो मामले चल रहे हैं वो बहुत ही जल्द उन पर सोल्यूशन उनका किया जाएगा। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर जिन फाइलों पर काम चला था वो फाइलों का काम भी कंप्लीट हो चुका है और आने वाले समय में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जल्द से जल्द पेंशन की राशि मुहैया कराई जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि पूरी वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर प्लीज़ आपको अच्छा लगा हो और समझ में भी आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ में बेल की घंटी को बजा दीजिएगा ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित कोई भी अपडेट छोटी हो या बड़ी हो आप तक पहुंच जाए, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों से ही संबंधित इस चैनल को मैंने रखा है और इसी चैनल पे जो तो अपडेट वीडियो जो है आते रहते हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि इस पे जो भी वीडियो आते हैं किसी भी प्रकार का झूठ नहीं होता है, किसी भी प्रकार का इधर उधर की बातें नहीं होती है, पूरी के पूरे वीडियो में 100% सच्चाई के साथ में दिखाया जाता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।